दिशा की क्या भूमिका थी, दिशा क्या बता रही थी, क्या दिशा पहले से सुशांत को ब्रीफ कर रही थी इस कार्टेल के बारे में? आशुतोष जी, सुशांत देखिए, उन्होंने जो 850 GB का जो डेटा सब कलेक्ट किया है, जाहिर है कि वो अकेले नहीं कर सकते हैं सब, उनका एक टीम था, ठीक है, तो उनकी टीम की एक मेंबर दिशा भी थी, समझ रहे, और उनकी टीम के जो बाकी मेंबर्स थे, जो सुशांत के डेथ के आगे पीछे उनके जो दोस्त 14 या 15 जो दोस्त मर चुके हैं, हमें सुनने में आ रहा है कि मतलब हमको, हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग उनकी टीम है, हो सकते हैं शायद इसलिए उनको एक करके मार दिया गया, कोई सुसाइड बोल दिया, कोई ये कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार उनके घर में रहने वाले लोगों ने क्या खोल दिए थे इस पूरे मामले के बड़े राज? क्या आखिरकार इस मामले में पिठानी से लेकर सैमुअल हॉकिप ने बहुत बड़े इशारे कर दिए थे कि मामले का सच क्या है, और आखिरकार पिठानी के साथ बॉलीवुड के एक्टर को क्यों देखा गया, किस लिए देखा गया 14 जून 2020 को घर के पीछे वाले दरवाजे पर, सब कुछ आप जानेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील कर देते हैं, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामला होने के बाद पिठानी को लेकर बहुत सवाल उठे थे। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर अगर हम बात करें तो जब उन्होंने रिपब्लिक में अर्णब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू किया, तब कहा जा रहा है कि उस इंटरव्यू के दौरान जैसे उन्होंने माइक निकाल कर भागने की कोशिश करी तो लोगों ने तभी सोच लिया था कि पिठानी साहब बहुत सारी चीज़ें आप छुपा रहे हो। और पिठानी के कई सारे बयान जो अपने आप में सवाल उठाते हैं, पिठानी के कई सारे ऐसे बयान जो कहते हैं कि पिठानी साहब आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पिठानी ने आज भी मुझे याद है उन्होंने टाइम्स नाउ में नाविका जी बैठी थी, साथ में कहा जा रहा है कि एक बड़े लॉयर थे सुशांत केस में जब वो एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, वो बैठे हुए थे और कई सारे लोग और बैठे थे। जहाँ पर पिठानी से सुशांत की हाइट पूछी गई तो कहते हैं कि 5-6-7 मेरी हाइट है और सुशांत की हाइट लगभग 5-8 थी। अब सोचिए 5'11" 6 फुट वाले इंसान को आप 5'8" का बताओगे तो भैया लोग हंसेंगे ही आप पर। वहीं पर अर्णब गोस्वामी के शो के अंदर जहाँ कहा जा रहा है पूछता है भारत में उनको देखा गया था, वहाँ पर कहा जा रहा है इन्होंने कई सारे बयानों के जवाब इस प्रकार दिए थे, जहाँ पर आखिर में अर्णब गोस्वामी ने इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि ये बीच में इस शो को छोड़कर भाग गए। वहीं पर कहा जाता है कि पिठानी को लेकर एक और खबर तब निकल के आई जब पिठानी को सुशांत के उस घर के पीछे वाले गेट में देखा गया और लोगों ने दावा करा कि पिठानी के साथ एक एक्टर खड़ा है। ये वो एक्टर के बारे में बात हो रही है जिनके बारे में आजकल सिटीजन गोट ऑफ इंडिया के अंदर भी जिक्र किया जाता है, जिनका नाम सुशांत दिशा केस में लिया जाता है। अब वो कौन है आप देखिए, पर यहाँ पर ऐसा सवाल सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं, पर सोशल मीडिया पे जो लोग उठा रहे हैं उनसे ही ये वीडियो प्राप्त हुई है। ट्विटर पे आप जाइए आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और जब ये वीडियो मिली तो मुझे लगा ये बात आप तक रखनी चाहिए कि भैया पिठानी साहब का इस मामले के अंदर क्या कनेक्शन है। आखिरकार पिठानी का नाम NCB में भी आया था, पिठानी को पकड़ा भी गया था, गिरफ्तार भी किया गया था, और पिठानी को हैदराबाद जाकर NCB की टीम पकड़ के लाई थी। तो सोचिए पिठानी का ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मामले के अंदर, क्योंकि पिठानी को लेकर कई सारे सवाल पहले भी उठे थे। और पिठानी एक वो कड़ी है जिसने बताया था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि आखिरकार रिया हो या फिर कई अन्य लोग हो क्या क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था सुशांत के साथ, कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। यहाँ तक कि सुशांत की हार्ड ड्राइव कहाँ गई, कौन ले गया, इसको लेकर भी खुलासे किए गए थे पिठानी के द्वारा। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सुशांत के परिवार के वकील साहब जो थे उन्होंने भी ये दावा करा था कि भैया जब तक शुरुआत में FIR हमने नहीं करी थी पटना में तब तक पिठानी हमारे साथ था, और FIR में उनका नाम नहीं लिया गया तो कहा जा रहा है कि उसने पलटी मार ली और उसने हमारे साथ छोड़ दिया और वो बॉलीवुड वालों के साथ हो गया। तो कहीं ना कहीं पिठानी इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकता है आने वाले वक्त पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सैमुअल हॉकिप, सैमुअल हॉकिप कहा जाता है कि सुशांत के एक्स मैनेजर बताए जाते हैं शायद, और कहा जाता है कि वो अक्सर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहा करते थे, उनकी कई फोटोज निकल के आती है सामने। पर एक बार वो निखिल सचदेवा जो रोडिस में आए थे उनके साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे, एक कार में बैठ के बातें कर रहे थे जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उसमें कहा जा रहा है कि सैमुअल हॉकिप ने एक बात बताई कि सुशांत जहाँ पुराने मकान में रहते थे, जहाँ पुराना घर था उनका, वहाँ पर एक भी पंखा नहीं था क्योंकि वो पूरा घर एयर कंडीशन था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार नए घर में सुशांत जब शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर क्या थ्योरी निकल के आई कि सुशांत ने गलत कदम उठाया, वो लटके हो पाए गए और सीलिंग फैन में ये सब कुछ हुआ। अब सोचिए
पुराने घर में सीलिंग फैन नहीं था। अगर सीलिंग फैन जहाँ था ही नहीं वहाँ पर ऐसी थ्योरी बनती ना, तो क्या सुशांत को प्लान के तहत नए घर में शिफ्ट किया गया? ये भी सवाल लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार सवाल आज भी लोग उठाते हैं, और इसी प्रकार सवाल उठने के बाद लोग आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर कॉमन इंसान नज़र मारकर अपनी बात रख सकता है देश के सामने, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एजेंसीज जो कहा जा रहा है कि ऐसे कई सारे मामले सॉल्व करके बैठी होंगी, क्या उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आई होंगी? डेफिनेटली आई होंगी, क्योंकि नीलेश ओझा जी ने एक बात बोली थी अभी हाल ही में कि इस मामले में जो मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन है वो हो चुकी है। अब बस चीज़ें हैं कि भैया कनेक्ट करने हैं डॉट्स कि कब क्या कैसे हुआ। बाकी इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है कि क्या हुआ कैसे हुआ ये सब चीज़ों के बारे में पता लग चुका है, ये नीलेश ओझा जी ने भी हाल ही में बताया था। तो क्या इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है? क्या इस मामले में पता लग गया कौन गलत है कौन सही है? क्या इस मामले का सच जल्द आ जाएगा सामने? क्या इस मामले में सच सामने आने के बाद बड़े बड़े खुलासे हो जाएंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। पर क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि भैया सुशांत मामले में जिस प्रकार नारायण राणे जी ने बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े खुलासे करे हैं, अगर उनके दावों की बात करें तो उन्होंने क्लियरली सुशांत दिशा केस को 302 का बता दिया, उन्होंने क्लियरली नेता अभिनेताओं की बात कर ली, उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया किसके घर पे रोज पार्टी होती है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े दावे करने वाले नेता जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने शुरुआत से अपने बयान जो दिया था उसी में अटके हुए हैं। उन्होंने कभी अपना बयान पलटा नहीं है कि भैया नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, जो चीज वो 3 साल पहले 3.5 साल पहले बोलते थे वही चीज वो आज भी बोला करते हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी है कौन गलत है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, 22 जनवरी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन भेजे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इनविटेशन बड़े बड़े हस्तियों को भेजे जा रहे हैं। पर इसी के बीच देखा गया कि बॉलीवुड के कुछ लोगों को इनविटेशन गया, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई जहां पर आलिया भट्ट से एक पत्रकार सवाल पूछती हैं कि अभी नवरात्र आने वाले हैं, रामनवमी आने वाली है, और राम मंदिर को लेकर कोई डिसीजन निकल के नहीं आया। ये पहले की वीडियो थी, तब आलिया भट्ट से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ सॉरी बोला, उसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया। पर जब रणवीर कपूर जो है उनसे एक बार शायद कुछ बात हो रही थी इंटरव्यू के दौरान, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने बीफ को लेकर बात करी, नॉनवेज को लेकर बात करी, और बीफ को लेकर उन्होंने बताया कि भैया वो बीफ खाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये वीडियो जो वायरल हो रही है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद जैसे ही इनॉग्रेशन के लिए कहा जा रहा है कि हाल ही में आरएसएस के बड़े बड़े लीडर जो है वो रणवीर कपूर और साथ में आलिया भट्ट को इनविटेशन कार्ड देने पहुंचे 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर है उनके इनॉग्रेशन के लिए, इनविटेशन के लिए उनको कादर के कार्ड देने के लिए घर जब पहुंचे उनके, तब कादर कि लोगों ने कहा आप एक बार देख लिया करिए कि भैया किसको आप इनविटेशन कार्ड दे रहे हो, वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो इस प्रकार चीज़ें सामने रखी जा रही हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टा का भी सेम है बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, फेसबुक का सागर वाला है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइए लिंक में क्लिक करिए और पहुँच जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।